हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मोहित पांडे वेलकम्स टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द टॉपिक ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। इन दिस वीडियो यू हैव टू कंसीडर अबाउट स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट एंड द स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। तो मतलब स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। सो सबसे पहले आप लोगों को बेसिक लॉ, बेसिक रूल्स समझना होगा। सो देयर इज सम बेसिक रूल्स। एट फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन फॉर डॉट, दैट मींस स्केलर प्रोडक्ट। सो फॉर स्केलर प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट, अंडरस्टैंड, कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप टू आई कैप, आई कैप टू जे कैप, आई कैप टू के कैप, दैट मींस एंड वी आई टेल ओनली आई इफ आई से आई कैप टू आई कैप, दैट मींस यू कंसीडर कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप इनटू कोएफिशिएंट ऑफ दैट दैट दैट, अंडरस्टैंड, ओके। सो coefficient of I cap into I cap is equal to 1, I cap into J cap is equal to 0 and I cap into और into किसका रहेगा dot, that means scalar product में अगर हमने I cap का into किया dot product निकाला I cap वाले से तो आएगा plus 1, J cap वाले में 0 and इधर पर आएगा 0, that understand। और जे कैप का आई कैप से किया तो क्या आया 0, जे कैप इंटू जे कैप 1 एंड जे कैप इंटू के कैप इज इक्वल टू 0, के कैप इंटू आई कैप इज इक्वल टू 0, के कैप इंटू जे कैप इज इक्वल टू 0 एंड के कैप इंटू के कैप इज इक्वल टू 1, दैट मींस फाइनली यू कंसीडर दैट आई कैप इंटू आई कैप इज इक्वल टू 1, J cap into J cap is equal to 1 and K cap into K cap is equal to 1. Understand? In this condition, if we do cross product, then what we find? You can find I cap cross product. Understand? For cross, that means vector products, you find vector product I cap into I cap is equal to 0, J cap into J cap is equal to 0 and K cap into K cap is equal to 0. At first I cap ke coefficient ka I cap ke coefficient se jab cross kiya to kya aayega 0, K cap ke J cap से J cap के coefficient का cross किया तो आया 0 and K cap coefficient का K cap coefficient से cross किया तो we find 0, understand? That means अब now I cap into J cap is equal to K cap, I cap का J cap से multiply होता है तो आता है K cap और I cap का K cap से होता है तो आता है minus J cap, रिमेंबर इट, अंडरस्टैंड। एंड जे कैप का आई कैप से हुआ तो आया क्या माइनस के कैप, जे कैप का के कैप से हुआ तो आएगा प्लस आई कैप, के कैप इंटू आई कैप इंटू प्लस जे कैप, एंड के कैप का जे कैप से हुआ तो क्या आएगा माइनस आई कैप, understand? That means you know consider that in cyclic order I cap and J cap and K cap, I का J से यदि आपने multiply किया cross product किया है तो आप पाएंगे you find plus K cap, और K cap का I cap से यदि हुआ multi cross product तो आपको मिलेगा प्लस J cap, क्या मिल जाएगा प्लस J cap। लेकिन यदि आप अपोजिट ऑर्डर में जाते हैं,
दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, यदि क्लॉकवाइज चल रहा है कि आपका जे कैप से तो प्लस के कैप, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज हो गए कि के कैप का क्रॉस किया आपने जे कैप से तो आएगा क्या माइनस आई कैप, के कैप का अपन ने किससे कर दिया सपोज जे कैप से, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे ना तो क्या आएगा माइनस आई कैप, और आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जीरो, जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू जीरो, के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू जीरो, अंडरस्टैंड। अब हम लोग जो है इसे सॉल्व करते हैं, और सॉल्व कैसे करना है वो थोड़ा सा समझना है आप लोगों को, अंडरस्टैंड। यू नो गिवन वेक्टर ए इज इक्वल टू थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप, इतना है। एंड वी फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्वेश्चन वन, डॉट दैट मीन्स व्हाट इज दैट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट, वी हैव टू फाइंड स्केलर प्रोडक्ट, दैट मीन्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप इनटू, दैट मीन्स यू हैव टू पुट डॉट माइनस टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप। इफ वी मल्टीप्लाई दैट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप इनटू जे कैप एंड के कैप, देन यू फाइंड जीरो, आई कैप इनटू जे कैप जीरो, आई कैप इनटू के कैप इज जीरो, एंड आई कैप का इनटू आई कैप से होकर तब आता है वन, दैट मींस प्लस थ्री इनटू माइनस, तो प्लस इनटू माइनस माइनस थ्री टू जा सिक्स, माइनस इनटू प्लस इज इक्वल टू माइनस फोर बन जा फोर, अंडरस्टैंड। या ये भी समझ सकते हैं आप लोग इस तरीके से, समझ नहीं थोड़ा सा कि थ्री आई कैप इंटू माइनस टू आई कैप, अंडरस्टैंड, माइनस टू आई कैप दिस इज, एंड माइनस फोर जे कैप, ओके माइनस फोर जे कैप इंटू डॉट प्रोडक्ट प्लस जे कैप एंड प्लस फाइव के कैप माइनस इंटू माइनस थ्री के कैप, और रिमेंबर इट इधर जो साइन दिया हुआ है माइनस फोर जे कैप जो है ना, इधर आप प्लस कंसीडर कीजिए, साइन क्या आता है सब जगह प्लस का आता है, और इसका जो सिंबल क्या है माइनस का, तो आप लोगों को जो पुट करना होगा इसके विद साइन पुट करना है, अंडरस्टैंड। और बाकी सबका यदि आई कैप वाले का जे कैप से इंटू करते तो आएगा क्या जीरो, उसे लिखने ही छोड़ दो अभी, तो प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री टू जा सिक्स, और आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई किया तो आएगा वन, और सिक्स बन जा सिक्स, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, एंड माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू सॉरी माइनस, अंडरस्टैंड। एंड फोर वन जा फोर, प्लस इंटू माइनस माइनस, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, बिकॉज जे कैप इंटू जे कैप वन, दैट मीन फोर वन जा फोर, प्लस इंटू माइनस माइनस, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, एंड जे कैप सॉरी के कैप इंटू के कैप इज इक्वल टू वन, दैट मीन फिफ्टीन वन जा फिफ्टीन, एंड यू फाइंड ओनली माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस फिफ्टीन, दैट इज माइनस ट्वेंटी फाइव, अंडरस्टैंड। ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव, राइट इट प्लीज।
So now we have to solve again. Note it na? Okay. We have point here also vector A cross vector B. That means cross product. So in the cross product, vector A cross vector B is equal to, you will have to arrange, that means vector A cross vector B is equal to 3i cap minus 4j cap plus 5k cap cross minus 2i cap plus j cap minus 3k cap. Okay? And here arrange in the form of I cap, j cap and k cap. Understand? Here 3 minus 4 plus k, 5. Coefficient you will have to write 3 minus 4 and plus 5. In this condition minus 2, coefficient of j is plus 1, and in this condition minus 3. Understand? Now I cap को अगर इधर से हम लोगों ने सेलेक्ट करना है, देखिएगा थोड़ा सा, हमें I cap वाले का वैल्यूज फाइंड करना है ना, इधर से आप कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, बचेगा क्या केवल माइनस फोर एंड माइनस थ्री ना, इस तरीके से माइनस फोर इंटू माइनस थ्री, और जो सिंबल आएगा माइनस का सिंबल आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से, और क्रॉस मल्टीप्लाई के बीच में क्या आएगा माइनस, तो माइनस फोर इंटू माइनस थ्री एंड माइनस फाइव, फिर फाइव बन जा फाइव, ये अंडरस्टैंड। अब इसके बाद जो हमें करना है वो किसका फाइंड करना है, ये थोड़ा सा मैं चेक करके बता देता हूँ। अब आप लोगों को फाइंड जो करना है इसका जे कैप, किसका फाइंड करना है, जे कैप के लिए फाइंड करना है। तो जे कैप के लिए फाइंड करना है तो आप जे कैप वाले को सिलेक्ट कर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, आप इतना छोड़ दीजिए, और बचेगा आई कैप और के कैप वाले, क्योंकि जे कैप का होता है क्रॉस में जीरो आता है। तो उस एक बात और ध्यान रखें, जे कैप के लिए हम लोग एंटी क्लॉक वाइज जाते हैं, और इसलिए जे कैप के फ्रंट पर साइन जो पुट करना है वो माइनस का पुट करना है। अंडरस्टैंड? एंड फॉर द जे कैप मल्टीप्लाई किसका होगा, क्रॉस होगा किसका, जे कैप वालों को छोड़कर, एक्सेप्टिंग द जे कैप, थ्री का माइनस थ्री से होगा, थ्री का माइनस थ्री से और माइनस टू का प्लस फाइव से, ऐसा थ्री और ऐसा इधर। अंडरस्टैंड? थ्री इंटू माइनस थ्री और क्रॉस में क्या लगता है बीच में माइनस, दैट इज माइनस टू इंटू प्लस फाइव, माइनस टू इंटू प्लस फाइव। अंडरस्टैंड? अब एक और चीज बचा गया के कैप, तो के कैप के लिए हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करना, के कैप वालों को छोड़ना, क्योंकि के कैप जीरो, दैट मींस इधर से ऐसा और इधर से ऐसा मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट होना नहीं, तो थ्री बन जा थ्री, थ्री इंटू वन, और लगेगा क्या माइनस, किसका होगा माइनस टू, माइनस फोर का, माइनस टू इंटू माइनस फोर, दैट मीन्स क्या आ गया से आई कैप इंटू माइनस प्लस फोर थ्री जै ट्वेल्व, अंडरस्टैंड, माइनस फाइव माइनस जे कैप इंटू थ्री इंटू थ्री माइनस नाइन, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस टू फाइव जै टेन, अंडरस्टैंड, प्लस के कैप, के कैप का साइन प्लस कर है, केवल जे कैप के सामने का साइन माइनस रखना, क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉक वाइज चल रहे हैं उस कंडीशन में। तो क्या मिलेगा हम लोगों को बता दीजिए थोड़ा सा, के कैप के लिए कंडीशन क्या है, थ्री बन जा थ्री, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, टू फोर जा एट, क्या आएगा टू फोर जा एट। अंडरस्टैंड? एंड फाइनली ट्वेल्व माइनस फाइव सेवन, यू नो सेवन आई कैप माइनस प्लस टेन एंड माइनस नाइन, दैट मीन्स वन, और प्लस वन आएगा इधर, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस,
J one जा J, you know J can and 3 and minus 8 becomes minus 5. That is minus 5 k cap. Minus 5 k cap. This is required answer. Understand for vector A cross vector B. Understand? Okay. Note down please. So thanks for watching my YouTube channel. Thank you very much.